अभी हम जा रहे हैं गंगनाथ जी मंदिर में और वहाँ पे पूजा है और सब लोग तैयार हो गए हैं। सब लोगों को दिखा और सब अपना अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं। ये किरण है, ये मम्मी, मौसी, जीजा जी, ये कब्बू और ये नितिन आ रहा है और ये वैदू और अंकुर अभी आ रही है। वो लोग कहाँ हैं? ये मैं हूँ, राकेश है, गोदी से जाएगा थे। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है। गाड़ी ना भी डाल दे, एक ही पकड़ो आप। एक लो ब्लॉग बना ले लिया था सारा सामान। एक मिनट पकड़ो आप। हाँ बोलो बोलो। जय अच्छी वैद्य को पकड़ दो। आप पैदल ही सलाह के ले जाऊंगा जहाँ पर। ठीक है, मंदिर नहीं, थोड़ा चढ़ाई में है मंदिर, तो जा रहे हैं और पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी सी बैठने की जगह है, हम लोग वहाँ पे बैठेंगे और खूब सारी फोटो लेंगे। उनका बदन है ना ऐसे, तो मेरा भी उनका बदन है, मैं क्यों कर पाऊंगी। खागजुले थे ज्ञान पूरा रास्ता बंद कर दिया मेरे घर में, वो वहां से बना दिया। वो है जो बड़ा पत्थर कह रही थी ना मैं, वहाँ पे बैठेंगे अभी, वहाँ से पूरा अच्छा व्यू दिखेगा जहाँ कल रात हम गए थे वहाँ से। कब्बू के पास हो, बनाते रहना, कहना ना पड़ेगा तो। इतना साइंस तो हो गई क्या, इतना साइंस तो हो गई, अब तुझे आगे जाना पड़ेगा रात ताकि हमको तू ऐसे ले सके। जय बोलो गंगनाथ बाबा की जय। जय हो गंगनाथ जी। हेलो आंटी, देखो गंगनाथ जी की धुनी। जय हो गंगनाथ जी। जय हो गंगनाथ जी। कैसा लग रहा है आंटी जी? बहुत अच्छा, आपने मंदिर में मौसी क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जय गंगनाथ बाबा के मंदिर में। सो चाचू कैसा लग रहा है आपको? बहुत थकान हो रही है, सांस चढ़ गई है पुराने में। फाक लग गयो, ये सब भी आ गए। और किरण तो अभी पहुंच ही नहीं पाई, इतना धीरे धीरे आ रही है। अच्छा अब
लेकिन यार चलने की आदत डालनी पड़ेगी, बिल्कुल मैं तो घर से ऊपर आके थक गई सीढ़ी चढ़ते। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा बहुत ज्यादा। ये देखो हमारे भंडारी चाट भंडार जी पानी की केन लेके आ रहे अंकु दीदी कैसा लग रहा है? ले लिया वहाँ का तो बकरी वाली पूजा में था तू हमारी 7 दिन की पूजा हुई थी। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हो तो जो आपको अनुभूति होती है, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, उसका कोई मोल नहीं। क्या कहते हैं? चलो चलो पूजा करो या पूजा करो। सत्यानाम तारकस्यां अर्शनेन महद्भूतं वायसमदेवतानां अघोरं नेयं समद्भूतं अंगहौ मञ्जमङ्गिलसं वयं सत्यस्य आत्रेयं मनसा च तारकस्यां प्रियतवाणी धरणं प्रिवदसहितं वदेषु भवन्नो अश्रोतुवमाङ्गल्यं ॐ आनो भद्रतवो जण्डुरदासो अभरीदास उद्भिदा। तुम्हारी शक्ल विष्णु हम दशरथम धर्म हम पवित्रम कुलचार चल अर्घ स्थापन कर कवि लगी अस्थिर चढ़िया ओम रिंग सत्य नम ओम बाराय नम ओम कसदे नम ओम गुरुमातन नम सरस्वती परमातन नम इत्यासन संभोज पुनरअर्घम संस्थाप्य भूरथ भूमि आसनम आसने अर्घ पात्र पात्र पवित्र सन्नो देवी जलम नंद प्रत्यक्ष अपुत्रवारिकस्य भ्रातीनां भ्रातृपुत्राणाम् इष्टानाम् इष्टमित्राणाम् स जामातूनां जामातृकन्यायां पुत्राणामायुर्वल्प्राप्तां मीनाथ द्वारिकावसा सर्वान् सवर्णे सौष्ठवार्गस्य आयुर्वल्प्राप्ति पूर्वकाम् हमें तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। ले दादा रिचार्ज मैं आपको क्या भेजता हूं? दादा मैं आपको क्या भेजता हूं? चलो 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 मत करो चलो आप तैयो चलो पकड़ो वेदू लोकल का नंबर है।
सजनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे नावे फल पावे सुख बादल बन के कोना गया पर्वत मिल गया मेरा दिल गया मिल ही गया अपने आप ही खाते हैं तो बाबा का प्रसाद है तो सबको बट रहा है जय हो ले आ ले ये अंदर भी है मैं ये भी देना था ये क्या है यार पुआ रोटी मीठा प्रसाद इसे मेरे को ना बस गोविंद शनि बाबा की जय माता रानी की जय अपने अपने इष्ट की जय ताऊ जी भी पहुंच गए बुला लो ताऊ जी भी आ गए हैं पूजा खत्म हो गई है और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और घर जा रहे हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम को जागे तो आपको सब कुछ दिखाएंगे मम्मी जी बना रही हैं सब्जी की तैयारी क्या है उगल उगल चौलाई मूली के पत्ते गांव में तो कुछ भी काटो बस सब्जी और यहाँ हो रहा है चावल की सफाई अरे लड़के और यहाँ वैदू और नानी कर रहे हैं चावल की सफाई सुप्पे में बाथली में बैठ के हाँ फिर तो आज हमारा बना है झोली भात सब्जी दाल देखिए सब लोग खा रहे हैं बैठ के वैदू के लिए आ रहा है खाना गोविंद कैसा हो रहा है और ये मैं अपनी लाई हूँ सब्जी झोली भात हरी मिर्चा आम की चटनी खीरा पानी भर रहा है और ये वैदू के लिए आया है और अंदर खाना लगा रही है मम्मी और चाची खाने में मस्त लगी है दोस्तों हम लोग जा रहे हैं घूमने और मौसम है बड़ा बेईमान हवा चल रही है और बारिश आने वाली है हम लोग जंगल में घूमने जा रहे हैं मैं दिखा ये लोग हैं सारे नितिन अंकुर जितू भैया वन एंड ओनली राकेश फरेरो एंड ये है जयपुर से नेहा जोशी और वो है हमारी खुशी जी कुछ बोलेंगे आप तुम्हारी खुशी हम काफी एंजॉय कर रहे हैं और अभी हम जंगल जा रहे हैं घूमने अभी हम जा रहे हैं ग्वातर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसमें हम ये है पत्थर दिख तो रहा है हम काफी बड़ा है और पूरा व्यू लेते थे कोफी गांव का और उसके बाद हम जाएंगे भाड़ी भाड़ी से आपको दिखाएंगे कि क्या सुंदर व्यू है इस गांव का देखो गंगा है गंगा जी हाँ वो ही दिखेगी वहाँ से गंगा जी नहीं घाट वाली नदी हाँ वो अभी तो नहीं दिख रही यहाँ से ये सामने जो दिख रहा है पिथौरागढ़ है पिथौरागढ़ वाला एरिया आ गया मतलब पूरा पिथौरागढ़ घाट के उस पार
बड़े पत्ते तो पत्ते डिगा देंगे लगाने के लिए Thank you.